गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, हाउ आर यू? आप लोग बहुत अच्छे होंगे ना? ठीक है, आप लोग प्रोनाउन पढ़ रहे हैं ना? मैंने आप लोग को काइंड ऑफ प्रोनाउन बताया था, ठीक। पहले आपको बताया था पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा बताया था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अब ये थर्ड है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिए, वे प्रोनाउन जो व्यक्तियों या वस्तुओं को पॉइंट आउट या डिमॉन्स्ट्रेट यानी कि संकेतित करते हैं, तो इस प्रोनाउन का प्रयोग आप करेंगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के एग्जांपल में देखिए, जैसे दिस, दैट, दीज, दोस, सच, द सेम, ये सब क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं। ठीक है, आपको ये लर्न करना पड़ेगा। ओके, फिर देखिए, दिस का प्रयोग समीप की एक व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है। ठीक, जो चीज़ आपके पास में होती है उसके लिए दिस का प्रयोग करेंगे। ओके, और ये सिंगुलर के लिए होता है, मतलब कोई एक चीज़ आपको दिख रही है, दिस इज़ अ पेन, दिस इज़ अ टेबल, है, दिस इज़ अ पेंसिल, तो ये सब क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग कर रहे हैं ना। दिस मतलब आप उसको पॉइंट आउट करें ना, दिस इज़ अ पेन, ये एक पेन है। ओके, फिर देखिए, दीस का प्रयोग समीप की एक से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के लिए होता है। ओके, दीस वहाँ करेंगे प्रयोग जहाँ कोई चीज़ आपके पास जरूर होगी, लेकिन वो एक से ज़्यादा होगी, प्लूरल फॉर्म में होगी। ठीक, प्लूरल जानते हैं ना, प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा, सिंगुलर मतलब सिंगल, एक। ठीक, एग्जाम्पल से समझिए, दिस इज़ अ कैट, वो एक कैट है, ये एक कैट है, दिस इज़ अ कैट, वहाँ एक बिल्ली है। ठीक, These are cats, वहाँ बहुत सारी बिल्लियाँ हैं, ये बहुत सा, these are cats, ये बिल्लियाँ हैं। ठीक, तो यहाँ प्लूरल के फॉर्म में these का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर के फॉर्म में this का प्रयोग करेंगे। ठीक, फिर that का प्रयोग देखिए, that का प्रयोग दूर की एक व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है, और those का प्रयोग दूर के एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है। ठीक, अगर कोई दूर चीज़ है और सिंगुलर है तब that का प्रयोग करेंगे, और कोई दूर चीज़ है और वो प्लूरल है, एक से ज़्यादा उसमें है, तब those का प्रयोग करेंगे। ठीक, एग्जाम्पल में देखिए, दिस इज़ अ बुक, ठीक, वो, दैट इज़ अ बुक, सॉरी, दैट इज़ अ बुक, तो ये सिंगुलर फॉर्म है ना, वो एक किताब है, दोज आर बुक्स, वो एक किताबें हैं, वो किताबें हैं, तो ये प्लूरल फॉर्म में, देखिए ऐसा लग गया ना, बुक्स प्लूरल फॉर्म में हो गया, तो यहाँ दोज का प्रयोग किया मैंने, सिंगुलर में देखिए सिंगुलर फॉर्म हो गया, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, दैट का प्रयोग किया। तो सिंगुलर में अगर आपको एक चीज़ के बारे में बताना है तो वहाँ दैट का प्रयोग करेंगे, अगर बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताना है, वो आपसे दूर है, तो आप दोस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, ये आपको लोगों को लर्न करना पड़ेगा, दिस, दीज, दैट, दोस। ठीक है, दैट और दोस दूर की चीज़ों के लिए प्रयोग किया जाता है, दिस और दीज पास की चीज़ों के लिए प्रयोग किया जाता है, दिस सिंगुलर फॉर्म में होता है, दिस प्लूरल फॉर्म में प्रयोग किया जाता है, दैट सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग किया जाता है, और दोस प्लूरल फॉर्म में प्रयोग किया जाता है। ओके क्लास, इसको लर्न करिए, समझिए। ठीक है, फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में फिर एक और काइंड बताऊंगी। ओके क्लास, थैंक यू।